डीएनसी प्रोसीजर के अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या फंक्शन होता है, यही सब हम आज यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन गायनेकोलॉजिस्ट। डीएनसी एक बहुत ही कॉमनली किया जाने वाला प्रोसीजर है। गायनिक और ऑब्स्टेट्रिक्स दोनों में ही डीएनसी बहुत कॉमनली किया जाता है। डीएनसी करने के जो सबसे कॉमन कारण होते हैं गायनिक प्रोसीजर अगर मैं बोलूँ तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग यानी कि एक्सेसिव यूट्राइन ब्लीडिंग यानी कि महावारी ज़्यादा आने के कारण किया जाता है, जब हम उसका कारण ढूंढना चाहते हैं, या फिर अगर आपके पीरियड्स एक बार बंद हो चुके हैं और हम उसके बाद यूट्राइन ब्लीडिंग का कारण ढूंढना चाहते हैं और एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेना चाहते हैं तो हम डीएनसी प्रोसीजर करते हैं। दूसरा जो ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर कॉमन यूज़ होता है, कॉमन कारण जिससे डीएनसी की जाती है, वो इसलिए होता है कि कभी कभी अबॉर्शन हो जाता है लेकिन इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है और उसे हमें पूरा कंप्लीट अबॉर्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कि अबॉर्शन हुआ लेकिन बच्चा का कुछ हिस्सा अंदर रह गया है, बच्चेदानी के अंदर रह गया जिसे हमें निकालने की ज़रूरत है, या फिर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या हेडेटिफोम मोल, ऐसी चीज़ों के अंदर भी डीएनसी प्रोसीजर कॉमनली किया जाता है। तो आइए जानते हैं हम इसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ आता है वह है ये स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स हम पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। बेसिकली इससे हम गॉज को होल्ड करते हैं, उसको बीटाडीन में डिप करते हैं और जो वेजाइनल एरिया है, पेरिनियल एरिया और वेजाइनल एरिया की पेंटिंग करते हैं, यानी कि उससे उसको क्लीन करते हैं। जिस गॉज से बाहर वाले एरिया को हम क्लीन करेंगे उसी सेम गॉज को हम वेजाइना के अंदर इंसर्ट नहीं करेंगे, वेजाइना के लिए हम दूसरा क्लीन गॉज यूज़ करेंगे। तो जब हमारी पेंटिंग पूरी हो गई यानी कि हमने बीटाडीन से क्लीन कर लिया स्पंज होल्डर से, उसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो कि गायनेकोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट है, जिसे हम कहते हैं सिम्स स्पेकुलम। सिम्स नाम आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा, जिनसे कि फादर ऑफ गायनेकोलॉजी कहा जाता है। तो ये सिम्स स्पेकुलम है। सिम्स स्पेकुलम तीन साइजेस में अवेलेबल होता है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ये सिम्स डबल ब्लेडेड स्पेकुलम है। सिम्स स्पेकुलम सिंगल ब्लेडेड भी आता है जिसमें एक ही साइड ब्लेड होता है, ये डबल ब्लेडेड है और कॉमनली डबल ब्लेडेड ही यूज़ किया जाता है। इसका जो एक ब्लेड है वह नैरो है और दूसरा ब्लेड आप देख सकते हैं ब्रॉड है। नैरो और ब्रॉड अलग अलग ब्लेड्स का फ़ायदा ये होता है जिससे हमें अलग अलग साइजेस मिल जाते हैं। अगर वजाइना स्मॉलर है तो हम नैरो ब्लेड इंसर्ट करेंगे और बिगर है तो ब्रॉडर वाला यूज़ करेंगे। इसके अंदर आप देखेंगे जो बीच का हिस्सा है जिसे हम हैंडल कहते हैं, जो कि होल्ड करने के लिए होता है, ये भी कर्व है और इसके अंदर बीच में एक डिप्रेशन जैसा सा है। ये इसीलिए, ये जो पूरा आप देख रहे हैं डिप्रेशन जैसा सा है, वो इसलिए है कि जो वजाइना से निकल के आने वाले लिक्विड्स हैं, ब्लड वगैरह जो भी है, वो इसमें से आराम से ड्रिल हो जाए ताकि वो इधर उधर ना गिरे। अगर आप देखेंगे कि ये जो ब्लेड्स हैं ये कर्व्ड हैं, शार्प एंड्स नहीं, कर्व्ड हैं। इनका कर्व्ड होने का जो मेजर एडवांटेज है वो ये है कि इससे वजाइना वॉल का लेसरेशन कम होता है, यानी कि उसमें इंजरी कम होती है। तो सिम्स स्पेकुलम को हम सबसे पहले इस तरह से वजाइना को रिट्रैक्ट करके इस तरह से एंटर करते हैं, उसके बाद हम इसको 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं और इससे पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को डिप्रेस करते हैं, यानी कि पोस्टीरियर वजाइनल वॉल हम नीचे की तरफ डिप्रेस करते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट जिसे कि हम कहते हैं वल्सेलम। वल्सेलम सिंगल टूथ वल्सेलम भी होता है और मल्टी टूथ वल्सेलम भी होता है। यूजुअली डीएनसी में मल्टी टूथ वल्सेलम का यूज़ किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, इसमें मल्टीपल टूथ्स हैं, कई टूथ्स हैं, इसलिए हम इसे मल्टीपल टूथ वल्सेलम कहते हैं। ये इसमें कैच है ताकि आप इसको अच्छे से होल्ड कर सकें। इससे हम यहाँ से एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को पकड़ते हैं, पकड़ के उसे हम एंटीरियरली रिट्रैक्ट करते हैं ताकि हमें जो बच्चेदानी का मुंह है, ऑस है, वो अच्छे से नज़र आए और हम हमारे नेक्स्ट प्रोसेस को आगे कर सकें। वल्सेलम से हम एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को होल्ड किया। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट यूट्राइन साउंड। ये यूट्राइन साउंड है। यूट्राइन साउंड पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मार्किंग्स नज़र आएंगी। ये मार्किंग्स का काम ये होता है कि इसको बच्चेदानी के अंदर एंटर करने के बाद हमें यूट्रस की लेंथ कितनी है उसके बारे में आइडिया लग जाता है। दूसरा, अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये कर्व्ड है, ये स्ट्रेट नहीं है, यहाँ पे इसके कर्वेचर है, ये मेनली इससे हमें पता चलता है कि यूट्रस एंटीवर्टेड है या रेट्रोवर्टेड है। जब हम इसे इंसर्ट कर रहे हैं और अंदर जाने में इस तरह से जा रहा है यानी कि हमारा यूट्रस एंटीवर्टेड है, और अगर इस तरह से हमें डालने की कोशिश करनी पड़ रही है यानी कि जो यूट्रस है वह रेट्रोवर्टेड है। तो दूसरा इसका फंक्शन हुआ कि हमें ये पता चलता है कि यूट्रस एंटीवर्टेड यूट्रस है या रेट्रोवर्टेड यूट्रस है। और तीसरा काम जो ये यूट्राइन साउंड करता है, ये है
फर्स्ट ये डायलेटर की तरह भी काम करता है, यानी कि इससे जो इंटरनल लॉस है वो थोड़ा सा डायलेट हो जाता है। तो ये बेसिकली हमें यूट्राइन लेंथ जानने में मदद करता है, फर्स्ट डायलेटर की तरह काम करता है, और यूट्रस एंटीवर्टेड है या रिट्रोवर्टेड है वह जानने में मदद करता है। इसके बाद अगले हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वे होते हैं ये डायलेटर्स। ये एक सेट ऑफ डायलेटर्स होता है। देखिए इसमें से अगर आप एक आराम देखना चाहें तो इसमें यहाँ पास से देखेंगे तो ये डबल एंडेड है, यानी कि दोनों साइड्स इसकी फंक्शनल होती हैं, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। इसमें इंक्रीजिंग नंबर्स होते हैं, धीरे धीरे इसका साइज बड़ा होता जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नंबर नज़र आएगा, ये 6 नंबर का डायलेटर है और दूसरी साइड में इसके 5 लिखा हुआ है। 5 एक साइड ये 5 की नंबर की तरह काम करेगा और ये 6 नंबर की तरह काम करेगा। तो आप पहले छोटा वाला इंसर्ट करेंगे फिर बड़े वाला इंसर्ट करेंगे। इसी तरह इंक्रीजिंग साइज ऑफ डायलेटर्स होते हैं, इसमें हम पहले नैरो वाला यानी छोटा वाला डालते हैं और फिर बड़ा वाला डालते हैं। जो ये नंबरिंग है ये इसका डायमीटर मिलीमीटर के अंदर बताता है, यानी कि अगर इसका नंबर ये 6 लिखा हुआ है यानी कि ये साइड का जो डायलेटर है उसकी 6 mm थिकनेस है। 5 का मतलब है कि इस साइड की थिकनेस जो है वो 5 mm है। इस सेट को हैगार सेट ऑफ डायलेटर्स कहते हैं। इसे हम इंटरनल लॉस को डायलेट करते हैं, ग्रेजुअली ग्रेजुअली इंक्रीजिंग साइज के डायलेटर्स हम डालते हैं, और जब हमें जो रिक्वायर्ड डायमीटर है इंटरनल लॉस का वो जब हमें लगता है कि डायलेट हो गया है तो हम उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट डालते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज आता है हमारा वो होता है ओवम्स फोर्सेप्स। ये है ओवम्स फोर्सेप्स। ओवम्स फोर्सेप्स एक डिफरेंट टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, क्योंकि उसकी एक स्पेशलिटी होती है कि उसमें कोई भी कैच नहीं होता। आप यहाँ देखें, यहाँ ओवम्स फोर्सेप्स में कोई कैच नहीं है। ये इसलिए बनाया जाता है स्पेसिफिकली ताकि बाय चांस गलती से भी अगर हम यूट्रस की दीवार को पकड़ लें तो कोई यूट्रस में गलती से भी ट्रॉमा ना हो जाए, इंजरी ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे इसमें कैच बना ही नहीं होता है। आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे थोड़ा आपको गड्ढा जैसा दिखाई देगा, ये इसलिए कि ताकि आप जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन हैं उसको होल्ड करके लेकर आ सकें। यहाँ पे आपको सेरेशंस नजर आएंगे, ये फिनिश, ये यहाँ पे लाइन सी बनी हुई है, यहाँ पे ये हॉलो है। ये इसलिए है ताकि जो कंसेप्टस है जो अबॉर्टस आप निकाल रहे हैं वो क्रश ना हो, उसके लिए ये बना हुआ है। तो ये ओवम्स फोर्सेप्स है। इसके भी अलग अलग साइजेस आते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, डिपेंडिंग ऑन कि कितना साइज है कंसेप्टस का वह साइज यूज किया जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है वह होता है यूट्राइन क्यूरेट। ये यूट्राइन क्यूरेट है। इसके भी दो एंड्स हैं, ये दोनों साइड से शार्प हो सकता है या एक साइड से शार्प और एक साइड से ब्लंट हो सकता है। ये वाला एक साइड से शार्प है और एक साइड से ब्लंट है। जो शार्प वाला होता है वह यूजुअली गायनिक प्रोसीजर्स के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें जो यूट्रस होता है वो रिलेटिवली हार्ड होता है, जबकि जो हमारे ऑब्स्ट्रेटिक प्रोसीजर्स होते हैं उसमें यूट्रस काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो हम लोग ब्लंट क्यूरेट का यूज़ करते हैं ताकि यूट्रस को किसी प्रकार की कोई इंजरी ना हो। ये भी अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होता है, ये स्मॉल साइज है। आजकल DNC प्रोसीजर की जगह सक्शन इवैक्यूएशन प्रोसीजर काफ़ी कॉमनली यूज है। वो इसलिए होता है क्योंकि सक्शन इवैक्यूएशन में जो हम सक्शन कैनूला यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक का बना होता है और ये डिस्पोजेबल होता है। अनदर थिंग कि इससे ट्रॉमा काफ़ी कम होता है। कार्मन्स कैनूला के नाम से इसीलिए मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसके भी अलग अलग साइजेस होते हैं, जैसे ये आप यह देख रहे हैं 7 नंबर का कार्मन्स कैनूला है। इसी प्रकार के अलग अलग नंबर के इंक्रीजिंग साइजेस के ये 8 नंबर का कार्मन्स कैनूला है। कार्मन्स कैनूला का साइज जितने वीक्स की प्रेगनेंसी होती है उसी हिसाब से यूज़ किया जाता है। इसमें इसके इस एंड को हम सक्शन मशीन से कनेक्ट कर देते हैं जिससे कि सक्शन जनरेट होता है, और ये वाला एंड हम यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं। यूट्रस के अंदर इंसर्ट करने के बाद हम इसको बैकवर्ड और फ्रंट में भी मूव करते हैं और साथ में रोटेशनल मूवमेंट्स भी करते हैं जिससे कि जो भी प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन होते हैं वो इसके अंदर सक होके आ जाते हैं। इसका ये वाला जो एंड है ये क्यूरेट की तरह भी काम करता है, इससे हम थोड़ा बहुत क्यूरेटिंग भी कर लेते हैं। क्योंकि ये प्लास्टिक का बना होता है इसमें ट्रॉमा की पॉसिबिलिटी कम होती है, इसलिए आजकल जो ऑब्स्ट्रेटिक प्रोसीजर्स हैं यानी कि अबॉर्शन वाले जो प्रोसीजर्स हैं उनके अंदर ज़्यादा कॉमनली इस तरह के कार्मन्स कैनूला यूज़ किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ हमारे टिपिकल जो ओवम्स फोर्सेप्स और क्यूरेट की जगह अब इन सक्शन कैनूलास ने ले ली है, क्योंकि ये काफ़ी रिलेटिवली सेफर होते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो DNC प्रोसीजर के बारे में या उसके अंदर यूज़ किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।